नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाउ में। एक बहुत बड़ी खबर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो है अमरपाली दुबे से रिलेटेड और निरहुआ से भी, क्योंकि जहां अमरपाली दुबे जी की बात होती है वहां निरहुआ की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको बता दें दोस्तों कि अमरपाली दुबे जो हैं वो वापस से आ चुकी हैं बनारस, और बनारस में वो किस तरीके से कर रही हैं अपनी आने वाली नई भोजपुरी फिल्म या फिर प्रोजेक्ट की शूटिंग, वो हम आपको दिखाएंगे आगे। पर उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल भोजपुरी नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भोजपुरी नाउ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर किया गया है अमरपाली दुबे द्वारा, जहां पर वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं साड़ी में। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये हो गई दोस्तों कि वो हाल फिलहाल मुंबई से बनारस आई हैं अपनी एक नई भोजपुरी फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करने या फिर शुरू करने। अभी तक दोस्तों कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आई है कि बनारस वो किस फिल्म की शूटिंग करने आई है, पर आने वाले समय में ये बात निकल कर सामने आएगी। लुक आप देख सकते हैं अमरपाली दुबे जी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और आपको बता दें दोस्तों कि महीनों बाद अमरपाली दुबे जो हैं वो वापस से किसी भोजपुरी फिल्म या फिर कहें भोजपुरी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। हम सब जानते हैं कि COVID-19 की शिकार हुई थी अमरपाली दुबे, पर पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी हैं वो, और अब वापस से वो अपनी फिल्मों की शूटिंग में लग चुकी हैं, जिसकी पहली तस्वीर सबसे पहले शायद हम ही आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, अमरपाली दुबे के अलावा निरहुआ भी अपने बहुत सारे कामों में जुड़ चुके हैं। उनकी कई सारी नई भोजपुरी फिल्मों के उद्घाटन हुए हैं, शुभारंभ हुए हैं, जिनकी शूटिंग आने वाले समय में बड़े ही भव्य तरीके से शुरू हो जाएगी। और लोगों को तो यही लग रहा है कि अमरपाली दुबे जो है वो बनारस में कहीं ना कहीं शायद निरहुआ के साथ काम कर रही हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि निरहुआ जो है वो अपनी आने वाली नई भोजपुरी फिल्म आर्मी की शूटिंग में बिजी है। तो हो भी सकता है दोस्तों कि वो अमरपाली दुबे के साथ उनकी नई भोजपुरी फिल्म के कुछ शॉट्स बनारस में भी शूट कर रहे हों, जिसके लिए अमरपाली दुबे बनारस गई हों। और अभी तक कोई भी फुटेज निकल कर सामने तो नहीं आई है, पर सिर्फ ये अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि बनारस में अमरपाली दुबे निरहुआ के साथ शायद हो सकता है कि शूट कर रही हैं। निरहुआ और अमरपाली दुबे की रोमांटिक केमिस्ट्री को देखने के लिए हमें खासा इंतज़ार दोस्तों अभी तो करना पड़ेगा। पर आपको बता दें कि एक रोमांटिक सॉन्ग जो कि पूरा का पूरा वीडियो में रिलीज़ होने वाला है रस म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर 27 अगस्त शाम 6 बजे, जिसका नाम है देखनी है जब से तोहरा, के काफ़ी दोस्तों हाइप में मचा हुआ है। इस गाने को एक बार आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से इस गाने को फिल्माया गया है, जो कि पूरा का पूरा वीडियो में रिलीज़ होने को तैयार हो चुका है। इस गाने को गाया है अशोक सुमन ने। तो दोस्तों, इस गाने को देखना और सुनना मिस ना कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताएं कि आप अमरपाली दुबे और निरहुआ को वापस से ऑन स्क्रीन देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। कौन सी भोजपुरी फिल्म आप देखना चाहेंगे निरहुआ और अमरपाली दुबे की, वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें भोजपुरी नाउ।